नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑटोमोटिव सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज का जो कस्टमर का कंप्लेंट है वो अलग ही डिफरेंट टाइप का है, जो क्रूज कंट्रोल से रिलेटिव है। तो मेरा इसमें एक जिगजैग लाइट आ रहा है और मेरा ये क्रूज कंट्रोल वाला बटन काम नहीं कर रहा है। तो ये मेरा क्रूज कंट्रोल का बटन है, ये रेनो का डस्टर गाड़ी है। तो इसमें जैसे मैं क्रूज कंट्रोल को इस पर लिमिट पर करता हूँ तो आप देख सकते हो मेरा ये लिमिटेड ब्लिंक कर रहा है और चेक लाइट भी आ रहा है। और इसको मैं क्रूज पे सेट करता हूँ गाड़ी को, तो यहाँ पर मेरा क्रूज का ब्लिंक कर रहा है तो ये वर्किंग नहीं कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो ये काम नहीं कर रहा है मेरा, ना तो लिमिट सेट हो रहा है ना मेरा क्रूज सेट हो रहा है, तो दोनों चीज़ सेट नहीं हो रही और ये ब्लिंक भी कर रहा है और इस पर मेरा चेक लाइट भी आ रहा है। तो मैं जैसे इसको न्यूट्रल पर कर देता हूँ तो मेरा चेक लाइट चला जाता है। आप देख सकते हो मैं वापस न्यूट्रल कर रहा हूँ और आपको इंस्ट्रूमेंट पैनल में दिखा रहा हूँ, मेरा लाइट चला जाएगा, चला गया है। तो इसको न्यूट्रल पे चला जाता है, लेकिन जब भी कोई लिमिट और इस पर सेट करता हूँ तो लाइट आ जाता है। तो ये मेरा प्रॉब्लम है। तो इस बटन को कैसे वर्किंग कराना है और इसका क्या करना है वो मैं डायग्नोस करके बताऊँगा। तो मैं सबसे पहले इसका जो क्रूज कंट्रोल का फ्यूज़ आता है वो लोकेशन पर देखूँगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो फ्यूज़ तो मेरा शायद सही रहेगा क्योंकि मेरा यहाँ पर बटन दिखा रहा है, पर एक बार कंडीशन देख लेता हूँ क्या कंडीशन आ रहा है उसमें। तो ये मेरा प्रॉब्लम है। तो क्रूज कंट्रोल पे कैसे वर्किंग करना है और कैसे डायग्नोज करना है वो आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये थोड़ा क्रूज कंट्रोल पर वर्किंग करके दिखाऊंगा कि आज थोड़ा अलग ही टाइप का प्रॉब्लम है। सबसे पहले जो मेरा क्रूज कंट्रोल का जो फ्यूज लोकेशन है तो एक बार मैं फ्यूज चेक करूँगा। तो ये मेरा क्रूज कंट्रोल का फ्यूज है, तो दिखा दूँ मैं ये वाला, इसको निकाल के देखना पड़ेगा। ये मेरा पेस्ट टू डस्टर है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरा प्रॉपर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट मैं अपना डायग्नोज करूँगा इसमें क्या प्रॉब्लम है। फ्यूज़ मेरा ओके है तो वापस से मैं इसको रिफिक्स कर दूँगा। तो फ्यूज़ मेरा प्रॉपर है तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो मैं अपना नेक्स्ट डायग्नोज करूँगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो पावर से रिलेटिव मेरा कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि मेरा फ्यूज़ ओके है, पर प्रॉब्लम भी एग्जिट है। तो सबसे पहले मैं स्कैन टूल लगाऊंगा और उसको चेक करूंगा कि मेरा क्या प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट स्टेप होता है वो मेरा स्कैन टूल ही रहता है, स्कैन टूल में कोई लाइट आ रहा है या नहीं आ रहा वो चेक करूंगा। तो सबसे पहले मैंने स्कैन टूल लगा लिया है। तो स्कैन टूल लगाने के बाद मैं अपना डायग्नोस करूँगा कि स्कैन करके कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। आप देख सकते हो मेरा स्कैन चल रहा है, स्कैनर से स्कैन हो रहा है। तो इस केस में ऐसा केस जब भी क्रूज कंट्रोल वर्किंग नहीं करे तो किस तरीके से डायग्नोज करना है, फ्यूज चेक करना है और स्विच को चेक करना है कि स्विच मेरा इंडिकेट हो रहा है नहीं हो रहा है मीटर में, कोई डीटीसी तो नहीं आ रहा है, स्कैन करना होता है उसके अंदर और वो वर्किंग प्रॉपर से कर रहा नहीं कर रहा वो देखना होता है। तो ये मेरा न्यू वर्जन पेस्ट टू है, तो मैं एक बार K9 के मेरा इंजन है और मेरा GR5 गियर है, तो मैं इसको कंप्लीट करके वैलिडेट कर देता हूँ जो कि स्कैन हो जाएगा मेरा। गाड़ी को मैंने रोड कंडीशन पे चला के देखा तो मेरा ना तो स्पीड लिमिट काम कर रहा था ना ही मेरा क्रूज कंट्रोल सेट हो रहा था, तो ये दोनों ही प्रॉब्लम आ रही थी और गाड़ी में चेक लाइट भी आ रहा था जब भी मैं स्पीड लिमिट और कर रहा हूँ। तो इसको कैसे डायग्नोज करना है वो आज मैं इसको कंप्लीट वर्किंग करके आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। पहला स्टेप मैंने आपको दिखाया क्या करना है, सेकेंड स्टेप भी मैंने दिखाया फ्यूज वगैरह चेक करना है, और तीसरा स्टेप मैंने स्कैनर लगाया है। तो स्टेप बाई स्टेप हमें इसको पे काम करना है। तो स्कैनर पर देखते हैं कि क्या डायग्नोज में क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप देख सकते हो स्कैन करने के बाद में मेरा क्रूज कंट्रोल या स्पीड लिमिटर फंक्शन का ओपन या शॉर्ट सर्किट आ रहा है। तो मैं इसको प्रॉपर डायग्नोज करूँगा कि कहाँ से शॉर्ट हो रहा है और क्या चीज़ शॉर्ट हो रही है, तो वो सारा पैरामीटर वगैरह चेक करूँगा, डायग्नोज करूँगा। तो सबसे पहले मैं एक बार DTC को रेज कर रहा हूँ कि इसमें कोई फॉल्ट होगा तो वो क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले एक बार इस कम्प्लीट कर लेते हैं कि वापस से मेरा अगेन कोड आ रहा है नहीं आ रहा। तो सबसे पहले एक बार इसको DTC को कम्प्लीट इरेज करना है और क्लियर कर देता हूँ मैं। तो ये मैंने क्लियर कर दिया है, वापस से रिफ्रेश कर रहा हूँ इसको मैं ताकि कोई DTC आ रहा नहीं आ रहा वो कम्प्लीट चेक करूँगा मैं। तो वापस इंजेक्शन में एक DTC दिखा रहा है, वो किस चीज़ का दिखा रहा है वो एक बार दोबारा अगेन देख लेते हैं। वो क्रूज कंट्रोल का CO में आ रहा है ओपन सर्किट में, तो वो DTC आ रहा है 5 6 4 1 1 5 1 5। तो इसको मैं एक बार डायग्नोज करता हूँ। नेक्स्ट आपको मैं पैरामीटर भी दिखा देता हूँ जो कि मेरा पैरामीटर है ET703 क्रूज कंट्रोल स्पीड लिमिटर बटन, CO ओपन सर्किट आ रहा है। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो आप देख सकते हो ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट टू 12 वोल्ट दिखा रहा है, कहीं ना कहीं मेरा पावर से रिलेटिव दिक्कत है।
तो ये मेरा क्रूज कंट्रोल स्पीड लिमिटर बटन में भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो एक बार मैं इसको कंप्लीट वापस से रीचेक करूँगा और दूसरे पैरामीटर और चेक करूँगा कि क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा। ये देख सकते हो आप कनेक्शन आफ्टर बटन प्रेस, मैं प्रेस कर रहा हूँ बटन को लेकिन यहाँ पे कुछ भी डिटेक्ट भी नहीं हो रहा, लिमिट पे हो रहा है। कुछ भी काम नहीं कर रहा है, इनएक्टिव भी दिखा रहा है, स्पीड लिमिटर इनएक्टिव। ये तो चलने पे दिखाएगा, तो मैं और फंक्शन इसका चेक करके दिखाता हूँ आपको पैरामीटर। इसमें ओपन सर्किट दिखा रहा है बटन में, तो इसकी सप्लाई भी चेक करूँगा और बटन भी चेक करूँगा मैं। मैंने इसका डायग्राम निकाल लिया है क्योंकि मैंने जो ये मेरा एक ग्राउंड से वायर जा रहा है, 10-81 जो मेरा कंपोनेंट है वो मेरा क्रूज कंट्रोल स्पीड लिमिटर है, आप देख सकते हो। और दूसरा मेरा 260 ये फ्यूज पैसेंजर कंपार्टमेंट में है, और ये 5 एम्पीयर का फ्यूज फिर मेरा जा रहा है इस पर। तो एक बार मैं ये फ्यूज भी मेरा पार्किंग का फ्यूज है क्योंकि पार्किंग मेरा जल रहा है, आप देख सकते हो। इसमें दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, पार्किंग जल रहा नहीं जल रहा ऐसे नहीं पता लगेगा, उस करना पड़ेगा मेरे को। पार्किंग मेरा जल रहा है आप देख सकते हो, 5 एम्पीयर का जो फ्यूज है पार्किंग में जाता है क्योंकि मेरा प्रॉपर जल रहा है। तो मेरा बचता है मेरा ये कनेक्शन चेक करना पड़ेगा, तो इसको रिमूव करूँगा मैं सबसे पहले, तो उसके कनेक्शन चेक करूँगा पावर ग्राउंड सिग्नल सारे जो भी आ रहे हैं इनसे। तो एक बार स्विच कंप्लीट ओवरऑल करके इसका पावर सप्लाई चेक करना पड़ेगा। मैंने ओपन कर लिया है, ये मेरा क्रूज कंट्रोल का बटन है आप देख सकते हो। इसकी जो वायरिंग जा रही है वो एक बार ट्रेस करके वायरिंग को मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं इसका पावर सप्लाई चेक करूँगा जो कि मेरा पिन नंबर 1 पे है, सीधा 260 कंपार्टमेंट में जा रहा है पैसेंजर साइड में। 5 एम्पीयर की फ्यूज से जो पावर आ रहा है वो मैं चेक करूँगा। तो मैंने एक प्रॉब मैंने अपना वोल्टेज सेट कर दिया है वोल्टेज पे, और एक मेरा ग्राउंड रहेगा और दूसरा मेरा इस पर प्रॉब रहेगा, तो इस पर लगा दिया है मैंने। तो आप देख सकते हो ग्राउंड लगा दिया है, तो वोल्टेज मेरा प्रॉपर आ रहा है मल्टीमीटर में, देख सकते हो आप मेरा वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है। तो मेरा ये पावर सप्लाई से रिलेटेड तो इसमें कुछ भी नहीं है, पावर मेरा प्रॉपर आ रहा है। तो नेक्स्ट मैं अपना दूसरा वायर पे एक बार सिग्नल वगैरह चेक करूँगा कि आ रहा नहीं आ रहा आगे। तो मेरा पावर प्रॉपर है जो कि मेरा पिन नंबर 1 पे मैंने पावर सप्लाई चेक किया है। इधर से आप देखोगे तो ये मेरा 1 नंबर है, और मैं इसका जो कि मेरा ग्राउंड है 5 नंबर पे आप ग्राउंड है मेरा, तो मैं एक बार ग्राउंड भी चेक कर लेता हूँ इसका। इधर जो ग्राउंड रहेगा वो 8 नंबर पे 5 नंबर पिन पे रहेगा, जो कि ये मेरा 5 नंबर पिन है, ये ब्लैक कलर का वायर 5 नंबर पे है। तो इसमें एक बार 5 नंबर पे चेक कर रहा हूँ ग्राउंड में। तो जो मेरा 5 नंबर का ग्राउंड का वायर था मैंने वो ग्राउंड चेक किया, तो उस पर मेरा कंटिन्यूटी प्रॉपर आ रहा है, तो मेरा ग्राउंड से रिलेटिव कोई भी दिक्कत नहीं है, ग्राउंड इज़ प्रॉपर है। मेरा पावर और ग्राउंड मेरा प्रॉपर था, तो मेरा वायरिंग से रिलेटिव कोई भी इशू नहीं है। अब बसता मेरा स्विच है, तो इससे पहले मैं एक बार स्विच बसता है और दूसरा स्टीयरिंग के जो ये स्विच है उनको भी चेक करना है। तो इससे पहले मैं सबसे पहले इसको क्रूज कंट्रोल को प्रोग्राम करके चेक कर रहा हूँ, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो इशू नहीं है, तो सबसे पहले इसको प्रोग्रामिंग करूँगा मैं। सबसे पहले क्रूज कंट्रोल जो स्पीड लिमिटर मेरा बटन है उसको मैं एक बार प्रोग्राम करूँगा। तो मेरा प्रोग्रामिंग मैंने ऑन कर दिया है, और जो कि क्रूज कंट्रोल स्पीड लिमिटर का जो बटन है उस पर मैं वैलिडेट करके इसको प्रोग्राम करूँगा और देखता हूँ कि मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है कि नहीं होता है। उसके बाद में मेरा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता तो करूँगा। तो मैंने प्रोग्राम कर दिया है लेकिन वो अभी भी मेरा सेम कंडीशन है, तो प्रोग्राम से भी मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, तो मेरे को नेक्स्ट डायग्नोस करना पड़ेगा। मेरा इसमें 5 नंबर और 1 नंबर को चेक करने के बाद में मेरा पिन नंबर 3 और 4 को भी मेरे को चेक करना है, जो कि 120 कंपोनेंट इंजेक्शन कंप्यूटर पे कनेक्टर पे जा रहा है। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा 3 नंबर पिन, जो कि मेरा ये 3 नंबर पिन है ये जा रहा है इंजेक्शन कंप्यूटर के A2 में। तो मैंने यहाँ कनेक्शन लगा लिया है, यह कनेक्शन आपको दिखा देता हूँ। जो का मेरा पिन रहेगा 3 नंबर का जो पिन है वो इधर से रहेगा, ये इधर से 1, 2, 3 नंबर का, तो इस पर लगा दिया है मैंने। और मैं बाहर की कंडीशन भी आपको दिखा देता हूँ जो कि मैंने लगा रखा है, मैंने इधर आपको लगा लिया है, मैं आपको दिखा दूँ ये वाले पे लगा दिया है मैंने। इधर से आप देख सकते हो A, B, C, D, E और 1, 2, 3, तो मेरा A में 2 नंबर का वायर है, जो A में ये 2 नंबर का लगा दिया है मैंने। तो मैं इस पर एक बार कंटिन्यूटी चेक करूँगा, मेरा कंटिन्यूटी मैंने लगा दिया है, आप देख सकते हो मेरा बीप साउंड आ रहा है।
तो मेरा ये वायर ओके है, तो दूसरा नेक्स्ट वायर चेक करूँगा मैं। तो नेक्स्ट जो वायर रहेगा चार नंबर वाला पिन रहेगा जो कि C3 में है, तो चार नंबर का पिन का वायर लगा रहा हूँ मैं। तो ये मेरा चार नंबर रहेगा, जो कि वायर का कलर रहेगा ब्लैक में ग्रीन कलर के कुछ दारी है वो वाला रहेगा। तो मैंने ये कनेक्टर लगा दिया है, इधर वाला ग्रीन में ब्लैक कलर का जो वायर है जो दार दिखा रहा है वो रहेगा। तो इधर मैंने प्रॉपर लगा दिया है कनेक्शन। तो ये मेरा पिन, ये मेरा रहेगा चार नंबर पिन रहेगा जो कि C3 में जा रहा है। ये वायरिंग में मैं चेक कर रहा हूँ इधर, तो एक बार मैं बाहर का व्यू दिखा देता हूँ आपको मैं। तो इधर मेरा जो पिन रहेगा, इधर जो रहेगा कनेक्टर मेरा C3 रहेगा जो कि मेरा ABCC में, ये रहेगा मेरा AB और C। तो मेरा रहेगा सी में AB और C में C3 रहेगा। C3 मेरा कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा जो कि 1, 2 और 3 रहेगा। इधर से आपको दिख नहीं पाएगा क्योंकि काफ़ी बारीक होता है, और इंजेक्शन कंप्यूटर का फर्स्ट वाला जो कनेक्टर होता है उसमें चेक करना होता है। तो मैं इसका एक बार कंटिन्यूटी चेक करूँगा, तो आप देख सकते हो इसका भी मेरा कंटिन्यूटी प्रॉपर आ रहा है। तो मेरा वायरिंग से रिलेटिव कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैं एक बार शॉर्ट टू ग्राउंड भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा ग्राउंड भी नहीं है, शॉर्ट टू ग्राउंड भी नहीं है, आप देख सकते। तो मेरा वायरिंग से रिलेटिव कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वापस से मैं एक बार कंप्लीट फिटिंग कर देता हूँ और एक बार चेक करूँगा कि मेरा वायरिंग जो ओके है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या नहीं है। वापस मैं अगला स्टेप बताऊँगा डायग्नोज करने का। तो ऐसी कंडीशन में काफ़ी चीज़ें चेक करनी होती है। कर दिया है, न्यू बटन भी लगा दिया है इसके अंदर, पर कंडीशन मेरा सेम है, आपको दिखा देता हूँ। मेरा कंडीशन वही सेम है, तो प्रॉब्लम मेरा न्यू स्विच से भी प्रॉब्लम नहीं मिट रहा है। तो एक बार मैं इसका सारा कुछ करने के बाद वायरिंग वगैरह मेरा प्रॉपर मिला है, वायरिंग में कोई फॉल्ट नहीं है, ना ही मेरा शॉर्ट टू ग्राउंड शॉर्ट टू पावर है, फिर भी मेरा कोड आ रहा है और उसमें प्रॉब्लम अभी भी आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा मेरा इंजेक्शन कंप्यूटर का, चूँकि मैं इंजेक्शन कंप्यूटर प्रोग्राम करके एक बार चेक करूँगा मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ नहीं हुआ। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप डायग्नोज का रहेगा, वो इंजेक्शन कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो मैं कर रहा हूँ एक बार इसमें इंजेक्शन कंप्यूटर होगा, तो एक बार मैं इंजेक्शन कंप्यूटर प्रोग्राम कर रहा हूँ इसका, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि मेरा प्रोग्राम रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। मैंने इंजेक्शन कंप्यूटर, इंजेक्शन कंप्यूटर प्रोग्राम कर रहा हूँ, देख सकते हो। गाड़ी को ऑफ करना पड़ेगा और स्विच ऑन रहेगा मेरा, प्रोग्रामिंग एक बार शुरू कर देता हूँ इसकी। कई बार प्रोग्रामिंग से रिलेटिव भी दिक्कत होता है इसमें, कई बार प्रॉब्लम आ ही जाता है कि सॉफ्टवेयर वगैरह का इशू रहता है। तो एक बार प्रोग्राम चल रहा है मेरा, क्योंकि मेरा अब कुछ बचता नहीं है इसके अंदर, प्रोग्राम करने के बाद में ही मेरा कन्फर्म होगा कि मेरा प्रोग्राम रिजॉल्व हुआ नहीं हुआ, अभी प्रॉब्लम तक पहुँचे नहीं हैं। प्रोग्रामिंग चल रहा है अभी, तो मेरा 100% प्रोग्रामिंग क्लियर हो गया है। तो एक बार मैं नेक्स्ट करूँगा, इसको नेक्स्ट करूँगा क्योंकि मेरा प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो गया है, मैं फिनिश कर देता हूँ इसको। इसी कंप्लीट हो गया है, प्रोग्रामिंग कंप्लीट होने के बाद में जो कोड आ गया है वो इंजेक्टर कोड का आ गया है। तो मेरे को एक बार इंजेक्टर कोडिंग करना पड़ेगा, तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लेके ले रखा है मैंने, तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये जब भी प्रोग्राम करो तो आपको स्क्रीनशॉट पहले लेना है, क्योंकि इसमें इंजेक्टर कोडिंग दोबारा से अगेन करना होता है। तो मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, मैं इसका एक बार स्क्रीन कंप्लीट इंजेक्टर कोड रिफिल करके आपको बताऊँगा। मैंने पहले इसमें टेप कर रखा है, बिल्कुल आप देख सकते हो मेरा इंजेक्टर कोड का मैंने पहले ले लिया था प्रोग्राम करने से पहले, और देख सकते हो कि मेरा इंजेक्टर कोड करना पड़ेगा मेरे को। आप देख सकते हो सारे कोड मेरा, जिसका डाटा जो मेमोरी था इरेजर हो गया था पूरा कंप्लीट, और सारे कोड मेरा 00 कुछ ऐसे कुछ एरर आ गया जो कि इसमें ब्लैंक सॉफ्टवेयर हो जाता है तब हो जाता है। तो मैंने न्यू प्रोग्राम कर दिया है, तो मेरे को वापस से रिफिल करना पड़ेगा इंजेक्टर कोड। मेरा कोड रिफिल करके आपको बताऊँगा। 3 इंजेक्टर कोड मैंने फिल कर लिया है, मैंने 4th अभी फिल करना बाकी है। मैंने चारों कोड इंजेक्टर कोड फिल कर लिया है, उसके बाद में मेरा कंप्लीट इसमें वैलिडेट करूँगा मैं। तो ये मैंने वैलिडेट कर देना है इसमें,
तो मेरा कोई ना कोई किसी में मिस है, आप देख सकते हो 16 करेक्टर का जो कोड होना चाहिए वो कोई ना कोई में मिस है, तो वापस से काउंट करके मैं वापस फिल करूँगा। तो मैंने कंप्लीट दोबारा से मेरा फिल कर लिया है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम था, एक कम था मेरा कोइन, मैंने तो इसको वापस से वैलिडेट कर देना है। तो अगर आप इसमें सही 16 करेक्टर का नंबर नहीं डालोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। तो ये इसकी करेक्टर करेक्ट डालना होता है, तो इससे सबसे अच्छा होता है इसको स्क्रीन शॉट ले ले तो सबसे बढ़िया रहेगा। तो मैं फिनिश करता हूँ, मेरा कंप्लीट हो गया है क्रूज कंट्रोल भी। तो एक बार मेरे को वापस से क्रूज कंट्रोल का प्रोग्राम भी करना पड़ेगा, तो मेरे को क्रूज कंट्रोल का फंक्शन भी मैं एक बार प्रोग्राम कर देता हूँ। आप देख सकते हो ये येलो कलर में चला गई है, चारों इंजेक्टर का प्रोग्राम होती है। नेक्स्ट मेरा क्रूज कंट्रोल का मैं प्रोग्राम करूँगा, क्योंकि रैंक प्रोग्राम में जाना पड़ेगा मेरे को। वापस से ये क्रूज कंट्रोल स्पीड लिमिटर आप देख सकते हो प्रोग्राम में, इसको जाकर मेरे को एक बार इसका कंप्लीट वैलिडेट करना पड़ेगा। मेरा फिनिश हो गया है, बस इतना प्रोग्राम होता है इसमें। तो एक बार मैं कम्प्लीटली अपना DTC चेक करवा देता हूँ आपको, कि जो मेरा क्रूज कंट्रोल का वो DTC आ रहा था वो गया नहीं गया। ये आप देख सकते हो इंजेक्टर का कोड आ रहा है, इसको मैं एक बार DTC क्लियर कर देता हूँ, वो कोड नहीं आ रहा है, इसको वापस क्लियर कर रहा हूँ। कंप्यूटर प्रोग्राम करने के बाद मेरा चेक लाइट तो चला गया है, कोई भी चेक लाइट नहीं आ रहा, लेकिन मेरा ये क्रूज कंट्रोल काम नहीं कर रहा है अभी भी। आप देख सकते हो मैं यहाँ बटन दबा रहा हूँ, पर यहाँ पर स्पीड लिमिट ये वो लिखा हुआ जो आ रहा था वो भी आना बंद हो गया है। तो कुछ भी इंडिकेशन नहीं आ रहा है, और डाटा पैरामीटर भी दिखा देता हूँ उसमें क्या सर्किट आ रहा है। मेरा ET वापस से मैं देखता हूँ, ये रहा ET 556, जो कि दिन देन दिखा रहा है। एक मिनट, क्रूज कंट्रोल वाला ET 703 क्रूज कंट्रोल स्पीड लिमिटर CO ओपन सर्किट आ रहा है अभी भी। तो मेरा प्रॉब्लम अभी भी रिजोल्व नहीं हुआ है, तो इसको एक बार ET 7 को ओपन करता हूँ तो वही शॉर्ट सर्किट 12 वोल्ट दिखा रहा है। तो मेरा वायरिंग जो ओके है, फ्यूज़ ओके है, प्रोग्रामिंग कर दिया, लेकिन मेरा प्रॉब्लम अभी रिजोल्व नहीं हुआ। और प्रोग्रामिंग करने के बाद में जो क्रूज कंट्रोल स्पीड लिमिट लिख के आ रहा था यहाँ पे, वो भी काम नहीं कर रहा है। तो मेरा कुछ भी नहीं बच रहा है इसके अंदर। अब मेरे को ये स्टीयरिंग के बटन चेक करने हैं कि उनका कनेक्शन ओपन सर्किट तो नहीं है। तो और दूसरे कंप्यूटर्स में क्या DTC आ रहा है वो भी मैं एक बार देखूँगा, क्योंकि मेरा सारा मैंने डायग्राम रीड कर लिया है। और अब जो मैं एयरबैग में एक बार DTC आ रहा है उसको देखूँगा कि कहाँ का DTC है। तो फ्रंट ड्राइवर एयरबैग ओपन सर्किट दिखा रहा है, तो सबसे पहले मैं एक बार इसका मॉड्यूल ओपन करूँगा, उसके बाद मैं देखूँगा कि क्या मेरा प्रॉब्लम है इसके अंदर और क्या नहीं है। तो मैंने मॉड्यूल वैसे खोल लिया है, तो आप देख सकते हो ये मेरा डैमेज है, इसलिए ओपन सर्किट का लाइट आ रहा है। तो ये मॉड्यूल हो गया इसलिए लाइट आ रहा है। और दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे क्रूज कंट्रोल के स्पीड लिमिटर और क्रूज कंट्रोल के बटन है, इनका जो कनेक्शन जा रहा है ये वाला, तो ये भी मैं एक बार चेक करूँगा, हो सकता है कोई वायर टूटा हुआ हो। तो एक बार मैं निकाल लेता हूँ, तो आप देख सकते हो ये भी मेरा डैमेज है, तो ये भी टूटा हुआ है। ये तो मेरा सर्किट ही कम्प्लीट टूटा पड़ा है, तो मैं इससे भी यहाँ से भी दिक्कत हो जाती है कई बार। तो मैं एक बार इसको कनेक्टर को ओपन करूँगा, ओपन करके न्यू रोटरी स्विच दूसरा लगा के कंप्लीट, जो कि यहाँ से कनेक्शन होता है ये वाले कनेक्शन, ये कंप्लीट सेट लगा के फिर देखूँगा, क्योंकि क्रूज कंट्रोल का जो पावर सप्लाई वगैरह आ रहा है वो रोटरी स्विच से आ रहा है, हो सकता है मेरा सर्किट ही यहाँ ओपन हो। तो एक बार मैंने क्रूज कंट्रोल ये पूरा रोटरी स्विच लगाऊँगा, उसके बाद मैं फॉल्ट को फाइंडिंग करूँगा। तो मैंने दूसरी गाड़ी का ओपन कर लिया है, आप देख सकते हो दूसरा रोटरी स्विच भी लिया है, लेके आ गया हूँ। ये जो मेरा रोटरी स्विच है कंप्लीट दूसरी गाड़ी का मैंने चेक करने के लिए लेके आया हूँ, तो एक बार चेक करूँगा, उसके बाद में आपको मैं कंफर्म करके बताऊँगा। तो आप अभी भी देख सकते हो मैंने बटन ऑन ऑफ कर रखा, लेकिन मीटर में कुछ भी नहीं आ रहा, स्पीड लिमिट वगैरह जो आ रहा था वो भी चला गया प्रोग्रामिंग करने के बाद में, और स्पीड लिमिट का मैंने प्रोग्राम भी कर दिया लेकिन प्रोग्राम रिजोल्व नहीं हुआ। तो मैं एक बार रोटरी स्विच इंस्टॉल करके आपको वीडियो में दिखाऊंगा। देख सकते हो मैंने ये कंप्लीट रोटरी स्विच न्यू फिक्स कर दिया है, अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ। ये मैंने एयरबैग का कनेक्टर भी शॉर्टकट लगा दिया है, सारा पे शॉर्टकट लगाया है, इधर से वायरिंग के कनेक्टर वगैरह दिखा देता हूँ। तो ये रोटरी स्विच मैंने दूसरा लगा दिया जो कि मेरा डैमेज था, ये वाला आपको कनेक्टर कनेक्शन दिखा देता हूँ, ये वाला भी डैमेज था मेरा, और ये वाला जो कि क्रूज कंट्रोल में स्विच में जाता है तो वो डैमेज था, और ये मैंने पूरा सेट लगा दिया है। अब आपको मैं एक बार इसके व्यू पे दिखा देता हूँ, इधर से व्यू दिखा देता हूँ। तो ये बटन मैं इधर से ऑन करूँगा, ऑन कर दिया मैंने, आप देख सकते हो स्पीड लिमिट क्योंकि ब्लिंक नहीं कर रहा है और काम करने लग गया है। ये देखो स्पीड भी मैंने एडजस्ट कर रहा हूँ, यहाँ से एडजस्ट हो रहा है स्पीड, देखो।
तो ये स्पीड लिमिट मेरा काम कर रहा है क्योंकि बटन से करवा रहा हूँ। तो ये मेरा फाइनली फोल्ड एयरबैग की रोटरी स्विच से मिला है। तो ये मेरा रोटरी स्विच ही ख़राब था, अंदर से डैमेज था। कभी भी ऐसा फॉल्ट आए तो इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हो, और इधर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो दूसरे वाले पोजीशन पे करके दिखा देता हूँ, ये वाला क्रूज कंट्रोल। तो ये भी अब मेरा पूरा प्रॉपर है क्योंकि 30 की स्पीड के ऊपर काम करेगा। ये मेरा अच्छे से काम कर रहा है, स्पीड लिमिट और क्रूज कंट्रोल। तो पहले साइन बने हुए नीचे जो ग्रीन और येलो कलर में आ रहे थे वो भी नहीं आ रहे थे, अब ये भी आने लग गए। मेरा फाइनली जो प्रॉब्लम मिला है वो रोटरी स्विच से मिला है, क्योंकि रोटरी स्विच फॉल्टी है मेरा। क्योंकि मैंने दूसरा लगा लिया है, आप देख सकते हो जिसमें लगा हुआ है, ये दूसरा ओल्ड में दूसरा लेके आया हूँ। तो पूरा सेट लगा दिया मैंने, शॉर्टकट लगाया मैंने। तो ये मेरा फाइनली जो प्रॉब्लम मिला है वो रोटरी स्विच का मिला है। रोटरी स्विच इसमें ख़राब था। और दूसरा मैं आपको इधर भी दिखा देता हूँ, मेरा डाटा मॉनिटर में भी दिखा देता हूँ कि DTC में मेरा कुछ नहीं आ रहा था। DTC तो मेरा पहले भी कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन एक बार पैरामीटर में जो उसमें शो कर रहा था वो पैरामीटर भी रीड करके दिखा देता हूँ मैं आपको, जिसमें कि ओपन सर्किट दिखा रहा था। तो वो मैं आपको कंप्लीट डाटा दिखाऊंगा आपको। ET7 कुछ लिख के डाटा था, ET7। तो आप देख सकते हो ET703 स्पीड कंट्रोल इनएक्टिव दिखा रखा था। पहले यहाँ पर ओपन सर्किट आ रहा था क्योंकि मेरा काम कर रखा है, कर रहा है बढ़िया से। लिमिटेड भी काम कर रहा है क्रूज कंट्रोल का, लिमिटेड में जैसे इसको एक्टिवेट करूँगा आप देख सकते हो काम करता है। तो मेरा ये प्रॉपर काम करने लग गया है। तो इधर का डाटा भी मेरा सही हो गया है और DTC भी कुछ नहीं आ रहा है। और गाड़ी को स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ कि मेरा कोई भी DTC नहीं है। तो मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं कंप्लीट दिखा देता हूँ कि मेरा कोई भी चेक लाइट नहीं आ रहा है। तो आप ऐसे रिजोल्व कर सकते हो प्रॉब्लम को, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी और काफ़ी डायग्नोज करना पड़ा मेरे को इस प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो और आपको वापस अगेन दिखा देता हूँ कि मेरा लिमिटेड काम कर रहा है, ये क्रूज कंट्रोल स्पीड लिमिट काम कर रहा है। फाइनली जो फॉल्ट मिला है मेरे को वो मेरा रोटरी स्विच का है, कोई भी चेक लाइट नहीं आ रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप वीडियो को अच्छा लगा। तो वीडियो बनाने में मेरे को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है और काफ़ी डायग्नोज भी काफ़ी डिफिकल्ट था। तो क्रूज कंट्रोल से रिलेटिव जब भी कोई इशू आए तो मेरा वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हो। इसमें कई केसेस होते हैं, कई में स्विच खराब होता है, कई में वायरिंग खराब होती है, कई में प्रोग्रामिंग से हो जाता है। इस केस में मेरा जो प्रॉब्लम मिला है वो रोटरी स्विच से है। तो थैंक यू दोस्तों।